वेलकम टू आवर चैनल कौरी ट्यूटोरियल्स। आज के इस पार्ट में हम लोग लिंकेज के बारे में स्टडी करेंगे नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद द लिंकेज हम इसके बारे में uh, जो स्टडीज़ की गई थी दैट वॉज कंडक्टेड बाय टी एच मॉर्गन और उन्होंने ड्रोसोफिला मिलेनोगैस्टर के ऊपर स्टडी की थी टू ड्रॉसोफिला मिलेनोगैस्टर एज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इट इज ऑल्स कॉल्ड एज फ्रूट फ्लाई तो इसको क्यों लिया गया था एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए क्योंकि एक तो ये राइप फ्रूट्स जो जैसे मैंगो है बनाना है उसके ऊपर ये काफ़ी इजीली अवेलेबल होती है उसके ऊपर मिल जाती है हमें क्योंकि उन फ्रूट्स के ऊपर यीस्ट जो होती है विच विच कंज़्यूम्स द कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द फ्रूट तो वो यीस्ट को ये कंज्यूम करती है और हम इसे ईजीली बॉटल्स में जो है वो रियर कर सकते हैं ग्रो कर सकते हैं यहाँ पर आराम से ये रह लेती हैं बिकॉज अगर हम बॉटल्स में जो कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट रख दें जिसमें यीस्ट की ग्रोथ हो तो ये यीस्ट के ऊपर कंज्यूम करती है उसके अलावा इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी छोटा है हमें दो वीक्स में न्यू जनरेशन मिल जाती है और बहुत सारी फ्लाइज मिल जाती हैं हमें एट द टाइम ऑफ देयर ब्रीडिंग उसके अलावा इसमें चार पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के जो कि अलग अलग साइज़ के हैं इजीली डिस्टिंग्विशेबल हैं और इनके ऊपर हम ट्रेड्स को बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं मेल्स में एक्स वाई सेक्स क्रोमोसोम है और फीमेल्स में एक्स एक्स क्रोमोसोम uh, होता है और सारा साल इसमें ब्रीडिंग करवाई जा सकती है और जब भी हमने फ्लाई को स्टडी करना है इट कैन बी इजीली इनएक्टिवेटेड ईथर को यूज़ करके और उसे डाइसेक्टिंग uh, माइक्रोस्कोप के नीचे रख के या मैग्नीफाइंग ग्लास से इजीली स्टडी किया जा सकता है सो दैट्स वाई जो टी एच मॉर्गन थे थॉमस हंट मॉर्गन उन्होंने ड्रोसोफिला मिलेनो को एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पे सिलेक्ट किया एंड ही फाउंड इट इज़ अ बेटर एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रेदर देन पी आल्सो नो मेंडल ने सॉरी टी एच मॉर्गन ने क्या कंट्रीब्यूशन की जेनेटिक्स में ही इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स और ये जाने जाते हैं अपने काम के लिए इन द प्रोसेस ऑफ लिंकेज क्रॉसिंग ओवर सेक्स लिंकेज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस लिंकेज मैप्स और म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन्स के ऊपर इन्होंने काफ़ी वर्क किया है ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज़ फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज इन्होंने ड्रॉसोफिला मिलानोगेस्टर जो कि फ़्रूट फ्लाई है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल वर्क किया सो ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स इन्होंने एक बुक लिखी थी द थ्योरी ऑफ जीन और ये बुक में इतने अच्छे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस थे और रिजल्ट्स थे कि उन्होंने इनकी बुक के बेस पे जेनेटिक्स को बायोलॉजी की अलग ब्रांच ही माना जाने लगा और नाइनटीन में मॉर्गन और कैसल ने मिलकर एक थ्योरी दी दैट इज़ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज जिसमें ये बताया गया कि जीन्स जो हैं वो क्रोमोसोम पे लीनियर ऑर्डर में यानी कि सीक्वेंस में लाइन में प्रेजेंट होते हैं नो लेट एस टॉक अबाउट लिंकेज लिंकेज क्या है इट इज द टेंडेंसी ऑफ द जीन्स टू स्टे टूगेदर ड्यूरिंग इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में जनरेशन बाय जनरेशन जीन्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और क्रोमोसोम जैसे अगली जनरेशन में जाएगा तो जितने भी जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर हैं वो एज सच अगली जनरेशन में चले जाएंगे और जीन्स जो सेम क्रोमोसोम पे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लिंक्ड जीन्स दे आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स और जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज अनलिंक्ड जीन्स लिंकेज क्या हो गया क्रोम जीन्स की टेंडेंसी इकट्ठे रहने की कि वो अगली जनरेशन में एज सच ही चले जाएं अब वो अगली जनरेशन में एज सच क्यों कब जाते हैं जब वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं तो इसलिए हम उनको लिंक्ड जीन्स बोलते हैं और जो डिफरेंट क्रोमोसोम पे हैं मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जीन है ए बी सी डी ई दे आर प्रेजेंट ऑन अ सिंगल क्रोमोसोम सपोज दिस इज़ वन क्रोमोसोम इसके ऊपर ए बी ऐसे सी डी ई ये पांच कोई जीन्स हैं तो दे आर लाइंग ऑन द सेम क्रोमोसोम अगर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई तो ये क्रोमोसोम एज सच दूसरे जो है जनरेशन में चला जाएगा तो ये सारे के सारे जीन्स इकट्ठे जाएंगे सो दीज आर कॉल्ड एज लिंक्ड जीन्स लेकिन अब ये दूसरा क्रोमोसोम है इस पर कोई और जीन है ये और ये जीन्स जो हैं वो अलग अलग हैं पोस दिस इज जी हमने इसको नाम दे दिया तो ये जी जो है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम ए बी सी डी ई और ये अलग क्रोमोसोम पे है तो दिस इज दिस दिस जीन एंड दिस जीन्स आर अनलिंक्ड ये अनलिंक्ड जीन्स हैं ना जो लिंक्ड जीन्स हैं दे डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इंडिपेंडेंट असॉटमेंट के लॉ में हमने किया था कि कोई भी दो जीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं यानी कि जब भी गेमीट फॉर्मेशन होती है तो ए जीन बी जीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ए अपना सेपरेट होगा और बी जीन अपना सेग्रीगेट uh, होगा मतलब वो इकट्ठे जाने इकट्ठे नहीं जाएंगे ऐसी कोई टेंडेंसी नहीं है बाई चांस दे मे बी टुगेदर इन द न्यू जीन और वो दूसरे एलील के साथ भी जा सकते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दैट इज़ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट बट लिंकेज में इंडिपेंडेंट असॉटमेंट नहीं है और जीन्स इकट्ठे रहते हैं दे शो अ डाय हाइब्रिड रेशियो ऑफ थ्री इज़ टू वन क्योंकि अब ये ये क्रोमोसोम है ये इसके ऊपर मान लीजिए ये दो जीन्स हैं जिनको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में स्टडी कर रहे हैं इनमें लिंकेज से सेपरेशन नहीं हुई ये दोनों जीन्स एज सच ही चले गए सो so, इसमें रेशो हमारी मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाली आएगी थ्री इज टू वन इसको हम अगले पार्ट में जब हम लिंकेज की एग्जाम्पल लेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को और ज़्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं और टेस्ट क्रॉस रेशो हमारी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की वन इज टू वन आती है तो यहाँ पर जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कर रहे हैं तो उसमें भी वन इज़ टू वन रेशो आएगी क्योंकि ये जीन हमेशा साथ में रहते हैं लेकिन दूसरी साइड पे जो अनलिंक्ड जीन्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट असॉटमेंट होती है और मैं हमने मैंडल के एक्सपेरिमेंट में जैसे किया था कि डाई हाइब्रिड रेशो नाइन इज टू थ्री इज टू थ्री इज टू वन आई थी और टेस्ट क्रॉस रेशो वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन आई थी तो दैट शोज़ कि यहाँ पर अनलिंक्ड जीन्स हैं और इनमें इंडिपेंडेंट असॉटमेंट हो रही है नो हाउ लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड लिंकेज वॉज डिस्कवर्ड बाई बेटसन एंड पुनेट इन नाइनटीन हंड्रेड सिक्स इन्होंने स्वीट पी में इसको डिस्कवर किया था और मॉर्गन ने फिर लेटर ऑन जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए फ्रूट फ्लाई पे ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही प्रूफ्ड की लिंकेज होती है और ये टर्म लिंकेज जो है दैट वॉज ऑल्सो गिवन बाय टी एच मॉर्गन देन नाइनटीन हंड्रेड इलेवन में मॉर्गन और कैसल ने मिलकर एक थ्यूरी दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि लिंक्ड जीन्स जो हैं वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वो लीनियर सीक्वेंस में हैं जैसे ये हमारा क्रोमोसोम है तो ये लाइन में जीन्स लगे हुए हैं ये पॉइंट पे एक जीन है ये पॉइंट पे दूसरा है ये पॉइंट पे तीसरा है ऐसे ही मतलब चौथा जीन है तो मतलब ये क्या है ये सारे के सारे लीनियर सीक्वेंस में हैं और इनकी टेंडेंसी है कि पेरेंट कॉम्बिनेशन बना रहेगा एक्सेप्ट कि कभी क्रॉसिंग ओवर हो जाए मान लीजिए क्रॉसिंग ओवर हो गई इस पॉइंट पर मान लीजिए ये हमारे क्रोमोसोम है इसमें ये हमने यहाँ पर थ्री फोर या फाइव जीन्स हमने यहाँ पे बना दिए अब मान लीजिए ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है इनके बीच में क्रॉसिंग uh, ओवर हो जाती है तो ये पार्ट मान लीजिए एक्सचेंज हो गया अब एक्सचेंज हो गया तो ये वाला पार्ट जो है वो uh, यहाँ पर लिंकेज नहीं रही यानी कि ये पार्ट इधर अटैच हो गया और ये वाला पार्ट जो है क्रोमोसोम का वो इसके साथ अटैच हो गया तो यहाँ पर ये uh, अलग हो गए हैं यहाँ पर लिंकेज नहीं रही और लिंकेज uh, की जो स्ट्रेंथ है दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन दैम कि वो इन्वर्सनी प्रपोर्शन है मान लीजिए अब ये दो क्रोमोसोम हैं यहाँ पर हमारे पास जीन्स हैं ठीक है अब ये जो दो, दो जीन्स हैं ये ज़्यादा दूर हैं एक दूसरे से और यहाँ पर टेंडेंसी इनकी लिंकेज जो है वो कम हो गई क्योंकि कई पॉइंट्स हैं क्रॉसिंग ओवर जहाँ हो सकती है लेकिन ये जो दो जीन्स हैं जो बिल्कुल साथ साथ हैं इनमें बहुत कम जो है टेंडेंसी होगी क्रॉसिंग ओवर की और इनमें लिंकेज स्ट्रॉन्ग होगी तो लिंकेज इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स नो नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द लिंकेज ग्रुप्स अब जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हैं उनको हम लिंकेज ग्रुप भी बोल देते हैं कि एक क्रोमोसोम जो है वो पूरा एक लिंकेज ग्रुप है और कितने लिंकेज ग्रुप एक इंडिविजुअल्स में होंगे दैट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनइट्स जिनोम और जैसे हम मान लीजिए ह्यूम्स में जैसे अब यहाँ हम देख रहे हैं ट्वेंटी थ्री पेयर्स हैं क्रोमोसोम के तो हम उसे कह देते हैं कि ट्वेंटी थ्री लिंकेज ग्रुप्स हैं फोर्टी सिक्स लिंकेज ग्रुप्स नहीं कहेंगे क्योंकि जो दो क्रोमोसोम्स हैं उनका एक पेयर है तो ट्वेंटी थ्री पेयर्स आर देयर तो एक पेयर को हम एक लिंकेज ग्रुप में मान सकते हैं ठीक है लेकिन अगर कोई हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जितने क्रोमोसोम्स हैं उतने ही लिंकेज ग्रुप्स है. हैं इन केस ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स जितने पेयर हैं क्रोमोसोम्स के उतने लिंकेज ग्रुप्स होंगे इसे हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप्स देन इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज ग्रुप्स नो लिंकेज ग्रुप्स जो हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक करेक्टर्स को बने रहने में मदद करते हैं जनरेशन बाई जनरेशन अगर लिंकेज नहीं होगी सारे जीन्स एज सच ही प्रेजेंट होंगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगी अगली जनरेसन में और उसके अलावा अगर हमने साइंटिस्ट ने कोई वेराइटी डिवेलप की है तो उसके गुड करैक्टर्स बने रहते हैं अगर वो लिंक्ड जीन्स हैं तो लेकिन दूसरी साइड पे जो प्लांट ब्रीडर्स हैं उनके लिए हेडेक भी है क्योंकि वो जो कई बार ही ऐसे होता है कि दो ट्रेड्स हैं वो बहुत अच्छे हैं ट्रेड्स लेकिन इनमें से एक ट्रेट जो है वो अनडिज़ायरेबल ट्रेट के साथ है लिंक्ड जीन है तो वो उसे अलग करना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और दूसरी साइड पे Uh, जो कई बार जो डिज़ायर्ड करेक्टर्स होते हैं वो अनडिज़ायरेबल करेक्टर के साथ होने की वजह से डिज़ायर्ड uh, करैक्टर का जो इफेक्ट है वो हमें इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि अनडिज़ायरेबल के साथ है वो और देर आर सर्टन मार्कर जीन्स मार्कर जीन्स होते हैं जैसे मान लीजिए दो जीन्स हैं वो लिंक्ड हैं उनमें से एक मार्कर जीन है मार्कर जीन मीन्स वो जल्दी अपना एक्सप्रेशन शो कर देगा और दूसरा जीन जो है उसका एक्सप्रेशन बाद में होगा लेकिन क्योंकि दोनों लिंक्ड जीन्स हैं तो मार्कर जीन का जब एक्सप्रेशन हो गया तो हमें पता लग जाएगा कि दूसरा जीन भी इसमें प्रेजेंट है ठीक है तो जैसे मान लीजिए लीव की जो बाउंड्री है उसकी जो शेप है कि मार्जिन कैसा है वेवी है या सिंपल uh, मार्जिन है मान लीजिए दैट इज़ रिलेटेड टू द इन्फ्लोरिसेंस ऑन दैट वेरी प्लांट तो उसकी इन्फ्लोरिसेंस बड़ी है आ, उसकी पैनिकल बड़ी है जैसे मेज़ में हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं तो मतलब मार्जन्स जो हैं वो प्लांट में आ, किस तरह के हैं लीव्स में उसकी रिलेशन उसके इनफ्लोरसेंस के साथ है तो जिस तरह जब लीव्स पहले अपीयर होंगी उसके जीन का इफेक्ट पहले होगा तो हमें पहले ही पता लग जाएगा कि इसमें ये फीचर भी हमें देखने को मिलने वाला है सो इन दिस वे मार्कर जीन्स हमारी हेल्प करते हैं सो so, ये हमारे लिए अलग अलग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि लिंकेज की सिग्निफिकेंस बता रहे हमें नो नेक्स्ट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन्स अब जो हमारे लिंक्ड जीन्स हैं उनका अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है सिस अरेंजमेंट और ट्रांस अरेंजमेंट अब सिस अरेंजमेंट क्या है जब मान लीजिए जैसे यहाँ पर आपको ये डोमिनेंट जीन मिल रहा है कैपिटल ए एंड इसमें भी ये डोमिनेंट है जब दोनों लिंकेज जो लिंक्ड जीन्स हैं उनके डोमिनेंट जीन जो है वो लिंक्ड होते हैं और दूसरी तर... तरफ जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो भी इकट्ठे प्रेजेंट होते हैं एक पे मतलब कि दोनों डोमिनेंट ट्रेड्स इकट्ठे होंगे लिंक्ड होंगे और दोनों रिसेसिव ट्रेड्स इकट्ठे लिंक्ड होंगे तो इन्हें हम लोग सीस अरेंजमेंट बोलते हैं और इसे बोलते हैं कपलिंग स्टेट जहाँ पर दोनों डोमिनेंट फॉर्म्स या दोनों रिसेसिव फॉर्म्स इकट्ठी होती हैं दूसरा अरेंजमेंट होता है ट्रांस अरेंजमेंट इन दिस केस डोमिनेंट लील एक का और दूसरे का रिसेसिव एलील जो है वो लिंक्ड हैं ऐसे ही इसका रिसेसिव लील दूसरे के डोमिनेंट लील के साथ लिंक्ड है सो दिस इज कॉल्ड एज रिफल्सिव स्टेट सो दिस वॉज अबाउट डिफरेंट अरेंजमेंट्स। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग टाइप्स ऑफ लिंकेज करेंगे थैंक यू